नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली क्या इंडिया में बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स खत्म होने की कगार पे, जिस तरीके से अपडेट कर रहा है, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े चेंज कर रहा है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ना नेटफ्लिक्स में, वो मिलती है लोकल लैंग्वेज कंटेंट, जो कि ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है। बात करी जाए तो आप ऑल इंडिया कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 36 लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है। उसके पार्टिकुलर तमिल, तेलुगु जैसे सुपर स्टार भी देखने के लिए मिलते हैं, उनकी फिल्म भी ऐड की जाती हैं, जिससे कि सब्सक्रिप्शन बेस बढ़े। बट नेटफ्लिक्स यही सबसे मेन चीज़ जो है वो मिस कर देता है। वो ये सोचता है कि मैं इंटरनेशनल कंटेंट डालूंगा, लोग पर जैसे सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे। तो यहाँ पे कुछ बिग चेंज जो है वो आपको जल्द ही आने वाले महीनों में देखने के लिए मिलने वाले। और सबसे बड़ा जो नेटफ्लिक्स का वादा था कि हम इंडिया में पासवर्ड शेयरिंग बंद करेंगे, तो इससे सब्सक्रिप्शन बेस एकदम धासु ऊपर उठेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, जिससे कि सब्सक्रिप्शन बेस नेटफ्लिक्स का और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। लेकिन क्या हुआ, उसका कुछ ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा। और अभी जो आपको इंडिया में नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलता है, मात्र 65 लाख कस्टमर्स के साथ ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया में कुछ मच ग्रो बिजनेस नहीं हो रहा है, जिस तरीके से बात की जाए तो नेटफ्लिक्स एक्सपेक्टेशन लगा रहा था। और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जियो सिनेमा ही खुद सामने आ गया कि एकदम लॉन्च हुआ, और जैसे कि मोबाइल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी, डेस्कटॉप पे, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। वेब सीरीज़ हो गई, लाइव टीवी शो हो गए, मूवीज़ हो गई, ये सब कुछ आपको सारी फुल डिटेल के साथ देखने के लिए मिलते हैं। और तब आपको इंग्लिश मूवी चाहिए या बात करी जाए तो इंटरनेशनल कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करने के बाद 4 स्क्रीन और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब शौक था कि आप 4K कंटेंट आपको 1000 रुपये ईयरली के हिसाब से सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करवा रहा है, मैक्सिमम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये फिलहाल सारी ही OTT के लिए था, जैसे कि हम Amazon प्राइम की बात करें या Hotstar की बात करें, झटका सबके लिए था। बट जियो बहुत जल्दी ग्रो करा, और मतलब इतनी तो जियो की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जियो सिनेमा को लेके। तो फाइनली जियो सिनेमा ने बहुत कुछ चेंज करके रख दिया। अब इस बिग सक्सेस के पीछे टाइम कह सकते हैं, बहुत सारी स्टोरी भी कह सकते हैं, और एक अच्छी कैलकुलेशन कह सकते हैं, जो भी टीम जियो ने बिठाई जियो सिनेमा को सक्सेसफुल स्टोरी प्रोवाइड करवाने के लिए इंडिया में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अब क्या नया चेंज करने वाला है नेटफ्लिक्स। एक है सबसे बड़ी चीज़, अभी रिसेंटली रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स दोबारा से प्राइस सेगमेंट बढ़ाने वाला है। डैट मीन्स ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मोबाइल के लिए मात्र 149 रुपये का प्लान लेके आता है, जिसमें कि लोग एटलीस्ट कंटेंट देख सकें नेटफ्लिक्स से। तो वो प्राइस ऑलरेडी पहले कम करके लेके आ रहा था, अब इस पर इंक्रीज़ करता है तो क्या लोग गिवअप करेंगे या कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अभी मेन जो है जियो एयर फाइबर हो गया या एयरटेल एक्सस्ट्रीम एयर फाइबर हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होंगे। और जिस तरीके से लोग 5G मोबाइल के लिए अपग्रेड कर रहे हैं, तो कम से कम 1-1.5 साल वेट करना चाहिए था। अभी प्राइस बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से 5G रोल आउट कंडीशन में और अभी लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तब हाई स्पीड इंटरनेट आता है, क्योंकि लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पा रहे 4G के, और नेट ही नहीं चल रहा बफरिंग। लेकिन जैसे ही 5G आ रहा है, अरे मेरा तो डेटा बहुत ज़्यादा बच रहा है, मैं डेटा यूज़ ही नहीं कर पा रहा यार, इस OTT एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अभी इंक्रीज़ करता है तो कहीं ना कहीं जो उसका ग्रो लेवल है, जैसे कि अभी कंडीशन में बात करी जाए तो 30% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो भी सब्सक्राइबर हैं बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी नेटफ्लिक्स इंक्रीज़ करता है पैसे, तो कहीं ना कहीं जो बेस प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा, जो सारे प्लान है वो आपको हल्के हल्के इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेंगे। देखते हैं लोग कितने दिनों तक इस पे सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली, क्योंकि ये प्राइस की बात था भाई, क्योंकि निकल के नई नई कंट्रियों में एकदम कुछ ना कुछ नया करता रहता है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स कैनिया की बात करें तो वहाँ पे मोबाइल सब्सक्रिप्शन एक्सेस फ्री दिया जा रहा था, मतलब वहाँ पे कोई भी मोबाइल सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना पड़ता था, आप सिर्फ नेटफ्लिक्स मोबाइल की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने मोबाइल पे लाइव कंटेंट देख लें। अराउंड 2 साल के बाद जो एडवर्टाइजिंग थी, जो मतलब बात की जाए तो प्रमोशन थे, वो सब रोक के अब फाइनली नेटफ्लिक्स ने डिसाइड कर लिया कि हम चार्जेस लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा सब्सक्रिप्शन और जो रेवेन्यू वो भी इंक्रीज़ हो सके। तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रियों के हिसाब से नेटफ्लिक्स प्लानिंग करता रहता है, और इंडिया में जो उसका मेन टारगेट है वो बेस प्राइस को बढ़ा के एक स्टेबल प्राइस पे लेके आना। जैसे कि बात करी जाए तो केन्या में 500 रुपये का आपको सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलता है अब, लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो इंडिया में आपको 149 रुपये का देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और केन्या और इंडिया की बात करी जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ा बिग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इंडिया की
एक रुपए की करेंसी केन्या में 1.8 रुपीज है, मतलब बात की जाए तो 2.25 रुपीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे किस तरीके से बिग चेंज देखने के लिए मिलते हैं और किस तरीके से नेटफ्लिक्स सर्वाइव करता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो इफेक्ट तो बहुत भारी पड़ेगा, और ऊपर से अभी रिसेंटली पासवर्ड शेयरिंग भी बंद की है तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ जरूर रहे होंगे सब्सक्राइबर, लेकिन जो लोग इन्जॉयमेंट ले रहे थे वो अब कहीं ना कहीं अपने मोबाइल का, या बात करी जाए तो जो प्राइस बेस प्राइस है वो भी अब घट गया होगा कि यार मोबाइल पर तो यूज़ करना, तो मोबाइल पर देख के काम चला लेते हैं। देखते हैं नेटफ्लिक्स किस तरीके से नई चीज़ है और किस तरीके से प्राइस इंक्रीज़ करता है, वो आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।